दूसरे प्रोत्साहन नहीं देते। अरे की फर्क पैदा, जीत यार रहो तैयार। पेज नंबर 193। साथियों 2007 में बुक रिलीज हुई थी और उस वक्त ये एक बेस्ट सेलर थी, आज भी ये बेस्ट सेलर है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, अचानक इतने साल बाद भगवान ने ये पुस्तक मेरे हाथ में क्यों दी? शायद आज वो मेरे माध्यम से आप तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों कितनी बार आपने कहा होगा, यार कोई साथ नहीं देता, यार फैमिली का सपोर्ट नहीं है, यार बॉस जो है ना बहुत अकड़ू है, झगड़ालू है, यार कलीग साथ नहीं देते, यार लोग जलते हैं, जरा सा आगे बढ़ो कोई ना कोई खींच देता है, पीछे गिरा देते हैं, कहीं सपोर्ट नहीं है, हर ओर लोग नेगेटिव है, ऊर्जा सोख लेते हैं, यार लोग बहुत टोकते हैं, जो करो उसका उल्टा बोलते हैं, ऐसे सैकड़ों डायलॉग आपने कभी ना कभी दियो। मैं आपके सामने बैठा हूं, क्या मेरे सामने नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आती? क्या नेगेटिव लोग नहीं आते? क्या मेरे सामने एक अपोजिट इकोसिस्टम नहीं आता? क्या ऐसे लोग नहीं आते जो डिप्रेस करते हैं, उल्टा बोलते हैं, या मैं असफल नहीं होता? मैं भी आप ही की तरह होता हूं। लेकिन तीन ऐसे सिद्धांत आपको आज बताने जा रहा हूं जो संजीवनी बूटी है, कितनी भी नेगेटिविटी हो चीर के आप अपना रास्ता बना लेंगे। तीन ऐसे सिद्धांत, और आज के बाद आपको जिंदगी में शिकायत नहीं होगी, मेरे आसपास सपोर्ट है, क्योंकि आप कहेंगे भाड़ में जाए लोग, सपोर्ट है चाहिए है, मैं हासिल करूंगा क्योंकि मैं खास करने के लिए पैदा हूं। सबसे पहला सिद्धांत जिसने मेरे जीवन को बदला वो है सेल्फ पेप टॉक। मतलब क्या? सुबह सुबह अपने दिमाग को पावर डोज देना, किसी बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं पावर डोज देना, किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, कोई बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, कोई टफ कस्टमर सामने है, खुद को पावर डोज देना, कोई बड़ा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं खुद को पावर डोज देना, किसी एग्जाम में जा रहे हैं खुद को पावर डोज देना। कैसे देते हैं? सुबह सुबह उठकर अपने आप से कहिए, यार आज का दिन जबरदस्त जाने वाला है, आज देखना मेरा हर काम ऐसा सफल होगा आज तक नहीं हुआ, आज जो आदमी मेरे से मिलेगा उसको मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, आज 10 चैप्टर ऐसे मलाई की तरह याद होंगे, आज दुनिया में हर आदमी मेरा सपोर्ट करेगा। अपने दिमाग को कन्विंस करो, अपने दिमाग को कंडीशनिंग दो। रेडियो क्या करता है? उसमें गानों का चैनल लगाओ, गाने बजते हैं, न्यूज का चैनल लगाओ, न्यूज बजते हैं, आपका दिमाग रेडियो है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। नहीं तो मेरे एक उदाहरण से समझिए, सुबह सुबह किसी ने डांट लगा दी जोर की, ऑफिस पहुंचे बॉस ने डपट दिया, अब दिन कैसा जाएगा? उस दिन आप भी दूसरे लोग को 50-50, 100-100 ग्राम बांटोगे, जो भी आपके चक्कर में आएगा वो निपटेगा। क्यों? बॉस ने सुबह सुबह डांट दिया, अब आपके दिमाग में वही फ्रीक्वेंसी ट्यून हो गई। क्या किया भाई बॉस ने? मार दिया क्या? ऐसा पकड़ के हिला दिया क्या? 2-4 शब्द ही तो बोले, शब्द तो खो जाने चाहिए। नहीं, वो शब्द जाते हैं दिमाग के अंदर, बैठ जाते हैं और दिमाग का रेडियो ट्यून कर देते हैं, अब दिन भर वैसे ही गाने बजते हैं। तो अब सुबह सुबह पावर स्टेटमेंट, अपने आप को शीशे में देख के बोलना, यार दिखता है जबरदस्त है। आसपास वाले बोलेंगे पागल है, अरे तुम पागल नहीं हो, वो पागल है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है पावर स्टेटमेंट क्या होता है। तुम अपने दिमाग को डायरेक्शन दे रहे हो, आज पूरे दिन ब्रह्मांड को मेरे अनुकूल करो, आज वैसे लोगों से मिलाओ जो मेरा काम करते हो, और एक कदम आगे बढ़ना हो ना तो आज के सक्सेस को पिक्चराइज कर लो, ऐसे इमेजिन करो जिससे मिलने जा रहे हो, कि मिलने के बाद डील हो रही है, आप हाथ मिला रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं, या यदि कोई दुकान है आपकी, इमेजिन करो, गल्ले को सोचो, गल्ले में कैश भरा है और आप कैश गिन रहे हैं। अरे भाई दिमाग को अच्छा दिखाओ, दिमाग को अच्छा सुनाओ, वो आपका नहीं है, बाहर बैठा हुआ पड़ोसी है, वो बिल्कुल वैसे ही करेगा, पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करेगा। और दोस्तों इसी सिद्धांत के दम पर आज तक मैंने हर नेगेटिविटी को हराया। सेकंड प्रिंसिपल, सेल्फ रिवॉर्ड। हमेशा हम क्या कहते हैं, यार यहाँ कुछ भी करो कोई इनाम नहीं देता, यार बॉस अप्रिशिएट नहीं करता, यार हमारे ऑफिस में इनाम का कल्चर नहीं है, अरे मम्मी पापा कभी इनाम नहीं देते, अरे नाते रिश्तेदार कभी इनाम नहीं देते, अरे कोई तारीफ नहीं करता। अरे पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके पैदा हुए थे क्या, तारीफ मिलेगी? एग्रीमेंट साइन किया था अपने माँ बाप के साथ, मैं जब भी अच्छा करूँगा मेरी तारीफ करना। और सोच के देखो, यदि आसपास किसी ने पुरस्कार नहीं दिया तो अच्छा काम करना छोड़ दो, यदि आसपास किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो क्या शिखर पर जाना, अपने लिए स्ट्रगल करना छोड़ दोगे? यदि किसी ने तारीफ नहीं की तो अपने टैलेंट्स को खत्म हो जाने दोगे, आम जिंदगी स्वीकार कर लोगे, कमियों में जियोगे, कॉम्प्रोमाइज में जियोगे, क्या जियोगे? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, दूसरों के रिवॉर्ड से खुद को आजाद कीजिए। मैंने आज तक
दूसरों के रिवार्ड के भरोसे जिंदगी नहीं जी। यदि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, यदि मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने उस दिन अपने आप को रिवार्ड किया, लेकिन दूसरे के रिवार्ड का इंतजार नहीं करता और दूसरे के रिवार्ड की वजह से स्लो नहीं होता, क्योंकि दूसरे के रिवार्ड का इंतजार करेंगे और दूसरे के रिवार्ड के हिसाब से चलेंगे तो हम तो भाई फिर टीवी है। जैसा दूसरा आदमी रिमोट दबाएगा वैसा हम करेंगे, दूसरे तारीफ करेंगे तो हम कूदने लग जाएंगे और दूसरे तारीफ नहीं करेंगे तो हम यूं मरा मुंह लेके बैठे रहेंगे। क्या चाहते हो? अपनी जिंदगी को दूसरों से आजाद करो। कभी भी मौका मिले मेरी एक बुक जीत हार रहो तैयार और पावर थिंकिंग जरूर पढ़ना, अमेजॉन पर अवेलेबल है, जरूर पढ़ना। क्योंकि पावर थिंकिंग में मैं ये सिद्धांत कहता हूं, असली पावर थिंकर कौन होता है? जो दूसरों के रिवार्ड की परवाह नहीं करता, जो दूसरों के पनिशमेंट की परवाह नहीं करता, जिसका अपना गोल होता है, जो अपने मुंह पे कभी कमजोर डायलॉग नहीं लाता, अरे यार कितना ही कर लो, कोई तारीफ नहीं करता। ये बकवास औसत कमजोर डायलॉग है और ये वो डायलॉग है जिनकी वजह से आप पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो जाते। तीसरा प्रिंसिपल, सेल्फ सेलिब्रेशन। कभी अच्छा हुआ क्या सेलिब्रेट किया? कभी छोटी सी भी उपलब्धि हासिल हुई सेलिब्रेट किया या बड़ी मंजिल के लिए फिर यूं बैठे? अरे जिंदगी को सेलिब्रेट करो, अरे जर्नी को सेलिब्रेट करो, क्योंकि मंजिलें तो चेंज हो जाती है। किसी बिजनेसमैन से पूछो, वो सोचता था 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए, और 80-90 लाख के आसपास पहुंच के उसको 1 करोड़ छोटा लगने लग गया। उसको लगने अब 2 करोड़ का हो जाए तो मजा आ जाए, अब 5 करोड़ का, अरे इंजॉय ही नहीं कर पाते। और इंजॉय करने के पहले डायबिटीज आ गया, उसके पहले कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसके पहले डिप्रेशन आ गया, उसके पहले एंजाइटी आ गई। अरे इंजॉय तो करो, कोई एंजॉय करने वाला नहीं हो साथ में, अकेले सेलिब्रेट करो। असली पावर थिंकर लाइन क्या है इस बुक में? जीत या हार रहो तैयार। कौन कहता है नहीं हारेंगे? हम हारेंगे, हारने से नहीं डरते, हारने के बाद खड़ाक से उठ के खड़े होंगे और फिर दौड़ने लग जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हारेंगे तो इसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने मेरा मजाक उड़ा दिया, उसने टॉन्ट मार दिया, उसने सपोर्ट हटा लिया, भाड़ में जाए जनता। मैं आज आपसे कह रहा हूं 3 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल, सेल्फ पेप टॉक। अपने दिमाग को खुद चार्ज कीजिए, किसी एक्सटर्नल चार्जिंग की जरूरत नहीं। कोई ना तो आपको डिप्रेस कर पाएगा और यदि एनकरेज करे तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, सेल्फ रिवॉर्ड। अपनी छोटी उपलब्धियां है ना, अपने को मालूम है ना क्या किए, कितनी मेहनत की है, कितनी जान झोंकी, किसी दूसरे के लिए वो छोटी हो सकती है, मेरे लिए छोटी नहीं है। मैंने उसमें अपने सारे इमोशन डाले, अपना टाइम डाला, मेहनत डाली, एफर्ट डाला, सब कुछ डाला, सेल्फ रिवॉर्ड। और लास्ट प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ सेलिब्रेशन। हाँ, सेल्फ सेलिब्रेशन में थोड़ा एक्सटेंड कर लो, अपने पेरेंट्स को ले जाओ, अपनी फैमिली मेंबर्स को ले जाओ, क्लोज लोगों को ले जाओ, अपने ऑफिस के स्टाफ को ले जाओ, अरे आपकी जिंदगी सेलिब्रेशन होना चाहिए। और कोरोना काल में तो भाई जिंदा रह गए, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? आपके नियर और डियर आपके साथ हैं, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? एक आध साल बिजनेस बंद भी रहा, कम भी चला, आज खुल गया, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? 3 सिद्धांत, और इन सिद्धांतों के बाद आप लोगों की गुलामी से आजाद, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली अपने जीवन का निर्णय खुद लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you. मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।